अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फैसल ज़मीर ऑनलाइन सीखना डॉट कॉम की जानिब से। दोस्तों, इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि HTML5 का बेसिक सिंटैक्स कैसे होता है और इसका डॉक्यूमेंट्स जो होता है बेसिक वो क्या होता है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो नोट पैड आप ओपन कर लें, नोट पैड प्लस प्लस मैं यूज़ कर रहा हूँ, पहले भी करता आ रहा हूँ और ये ओपन है मेरे पास और इसका बेसिक स्ट्रक्चर मैं अब बना रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप HTML, ठीक है। ये जो वो है ना रिकमेंडेड, ठीक है, वो इस तरीके से है, ठीक है, कि आपने इसको कैपिटल में लिखना है और इसको स्मॉल लेटर में लिखना है, ठीक है। तो आप इसको बड़ा छोटा लिख सकते हैं, आप पर कोई इस पर असर नहीं होगा, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप डॉट टाइप को कैपिटल में लिखें और उसके बाद आप HTML, ये वर्जन को शो करता है कि वर्जन जो HTML5 से पहले 4 हो गया और जो आप पहले यूज़ करते आ रहे थे उसमें वर्जन को डिस्प्ले करने, वर्जन वर्जन को शो करने के लिए बहुत लंबा सा 2-3 लाइनों पर आता था, वो कोडिंग थी, वो शो करता था उसके वर्जन को। लेकिन अब ये डॉक टाइप HTML एक सिंपल सा टैग है, ये आपके वर्जन को शो करता है जो कि HTML5 है। और उसके बाद वही पुराना तरीका HTML, और उसके बाद HTML, और इधर आकर आपने देना होता है हेड, सॉरी भाई, हेड, और हेड में आकर आपने टाइटल देना होता है टाइटल में वेलकम टू HTML5, और यहाँ पर आप बॉडी देते हैं, उसके बाद जनाब आला आपने यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, मैं कुछ भी नहीं लिखना चाहता। तो मैं इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और मैं इस तरह करता हूँ कि डेस्कटॉप पर चला जाता हूँ और यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ और यहाँ पर मैं दे देता हूँ HTML5 ट्रेनिंग, ठीक है जी। तो इसको मैं दे देता हूँ, नेम देता हूँ इसको बेसिक के वाले से, बेसिक डॉट HTML, ये अपने एक्सटेंशन तो साथ लिखनी है ना, अगर आपने एक्सटेंशन नहीं लिखी तो फिर मसला होगा, ये फाइल सही होगी। तो ये देखें, जैसे मैंने एक्सटेंशन की ये फ़ौरन अपनी असली हालत में आ गया है। अब बेसिक सिंटैक्स हम पढ़ रहे हैं, तो ये टैग जो है ना, जिस तरह ये हेडर है, ठीक है, ये हेडर के लिए ये यूज़ होता है, जो आपका जो हेडर होता है ना उसके लिए यूज़ होता है हेडर। और दूसरा टैग है नेव, ठीक है, नेव जो आप नेविगेशन बार होती है उसके लिए ये नेव टैग यूज़ होता है। दूसरा है आर्टिकल, आर्टिकल ये भी एक टैग है, आप अगर आप आर्टिकल वो लिखना चाहते हैं ना उसके अंदर आप फिर सेक्शन बना सकते हैं, मुख्तलिफ सेक्शन, सेक्शन कहीं पर भी बना सकते हैं, सेक्शन कहीं पर भी बना सकते हैं। इसमें आप मुख्तलिफ सेक्शन बना सकते हैं, आर्टिकल में आकर आप यहाँ पर हेडिंग भी दे सकते हैं, वेलकम टू HTML5, ठीक है, और यहाँ पर आप फिर पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से ये आपको टैग आते होंगे, अगर नहीं आते तो आप बेसिक फर्स्ट ऑफ ऑल HTML सीख लें, अगर नहीं तो फिर भी इतना मसला नहीं है। हाउ आर यू, उसके बाद ये ख़त्म हो गया। उसके बाद दूसरा होता है एसाइड बार, एसाइड, ठीक है, एसाइड जो लेफ्ट या राइट साइड पर होती है ना एक ख़ास किस्म का जो एरिया होता है, ठीक है, जहाँ पर एड्स होते हैं या कोई और चीज़ विजिट्स वगैरह होते हैं वो एसाइड बार कहलाते हैं, लेफ्ट होता है या राइट होता है, आप यहाँ पर आईडी देकर उसको लेफ्ट राइट कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है भाई फुटर, फुटर को तो आपको पता चलता है ना, जो बिल्कुल जो लोएस्ट पार्ट होता है पेज का उसको फुटर बोलते हैं, और उसमें आपका जो ये होता है कुछ इन्फॉर्मेशन होती है ऑथर के बारे में और कॉपीराइट के बारे में, तो वो हम फुटर में देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इसका स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पर मैं देता हूँ कि दिस इज़ द, इसको कॉपी करता हूँ, हेडर एरिया, हेडर एरिया। अब यहाँ पर मैं देता हूँ कि यूएल, क्योंकि ये एक नेविगेशन बार होती है ना, तो यहाँ पर मैं देता हूँ कि एल आई। अब एल आई में मैं दूंगा
होम अब यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि अबाउट अस यहाँ पर कुछ भी लिख दें आप, ठीक है। और उसके बाद आ जाऊँगा सेक्शन में, आर्टिकल में आ गया हूँ, और एसाइड में आता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक पैराग्राफ में दिस इज द साइड बार एरिया। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि फुटर, ठीक है। तो इसके बाद मुझे करना क्या है, मुझे जाना होगा नेक्स्ट स्टॉप पर, HTML5 ट्रेनिंग, और यहाँ पर तो सेव नहीं है। अब यहाँ से मैं इसको रन करता हूँ कोर्म। हाँ जी, ये हेडर के एरिया है, और ये हमारा नेविगेशन बार है जो हमने बनाया था, और ये जो है वो है आपका आर्टिकल का जो एरिया था वो सेक्शन में हमने लिखा था ना उसको, और ये भी उसके साथ, और दिस साइड, ये साइड बार है और ये फुटर है, ठीक है। ये इस तरीके इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। दोस्तों आप इसमें एट्रीब्यूट देकर और CSS की मदद से आप इसकी डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, जो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा नेक्स्ट क्लासेस में, साथ साथ मैं आपको बताऊंगा साथ साथ कि ये यहाँ पर क्या होता है और यहाँ पर क्या होता है। और इसमें कोई और बात मेरे ख्याल से नहीं है। चलें, एक दूसरा है कि करेक्टर के हवाले से मेटा टैग्स होते हैं ना, मेटा टैग्स करेक्टर के हवाले से कि मेटा 64, ये आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है UTF-8, ये इसको करेक्टर सेटिंग करनी पड़ती है। तो ये होता है, और इसमें कोई और मेरे ख्याल से नहीं रह गया, तो साथ साथ मैं इंशाल्लाह बताता रहूँगा, और ये एक एक फाइल को मैं सेव करता रहूँगा, और आपको मैं इस तरीके से समझाऊँगा। तो नेक्स्ट क्लास में आएंगे और एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे कि एट्रीब्यूट्स इसमें क्या डिफरेंस है एट्रीब्यूट्स में, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।